everyone, once again I welcome you all in my channel Monica Masi DIY Home Decor. So friends, आप लोग कैसे हैं? तो friends, आज मैं आपके सामने अपना crockery organization video share करने जा रही हूँ. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोग को previous video में crockery almira का tour कराया था, और आज मैं अपना crockery almira में सारा crockery organize कर चुकी हूँ. तो इस video में मैं आपको किस तरह से आप अपने crockery को organize कर सकते हैं एक almira में या एक शेल्फ में, ये करना बताऊंगी. तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे जितने भी मेरे क्रॉकरीज थे उसको मैंने इस तरह से सजा लिए. कप को एक साइड कर लिया है, और ये देखिए ग्लासेस को एक साइड कर लिया है. ऊपर भी देखिए जितने भी मेरे बाउल्स थे इसको मैंने एक साइड कर लिया है. ऐसा करने से हमें सामानों को कहीं पर भी लगाने में आसानी होती है, तो इसलिए मैंने इनको क्लीन भी कर लिया है ताकि जब मैं सामान लगाने चलूँ तो मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए कि कप कहाँ हैं, ग्लासेस कहाँ पर हैं, क्रॉकरीज कहाँ पे हैं, बाउल किधर हैं. तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से पहले अपने सामान को क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर लें और फिर उसे बारी बारी लगाना स्टार्ट करें. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी क्रॉकरी अलमीरा. ऑलरेडी मैंने आपको इसका टूर कराया था, और आप देखिए कि अभी ये पूरी तरीके से फिल हो चुकी है क्रॉकरी से और ग्लासवेयर से. और इसमें मैंने एक लाइट भी जला दी है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. देखिए लग रही है ना, बहुत सुंदर खूबसूरत लग रही है. तो ये है फ्रेंड्स मेरी अलमीरा, मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है. और मैं आपको एक वन बाई वन करके मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने जो क्रॉकरीज है और अपने जो ग्लास वेयर्स हैं और जो बाउल्स है उसको कैसे मैंने सेट किया है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरा पहला जो ये शेल्फ है, ये जो वुडन का है, तो इसमें सबसे पहले मैंने अपने जो बोन चाइना के मेरे प्लेट्स हैं और जो सॉसर्स हैं और ये मेरे कप्स हैं बाउल्स हैं उनके, उसको मैंने रखा है. क्योंकि मैं ऊपर थोड़ा रखने से डर रही थी, क्योंकि ये शीशा और ये थोड़े हैवी होते हैं तो शायद वेट इनका ना ले पाते, तो इसलिए मैंने इसको नीचे साइड में ही अरेंज किया है. तो यहाँ पे आप देखिए मैंने बोन चाइना के सारे क्रॉकरीज को ऑर्गेनाइज किया है और उनके सेट को भी उनके साथ रखा है. और यहाँ पे आप देखिए ये अनदर एक सेट है मेरा ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का मैं सेट यहाँ ऑर्गेनाइज किया. ये मेरे फाइबर्स के सेट है, मैंने इसको इसके प्लेट्स को और इनके इसको बाउल को मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखा है. और इनके आप स्पून्स को आप देख रहे होंगे कि इसके साथ कोई ऐसा, ये वाला स्पून जो था इसके साथ का, ये तो कवर में था फ्रेंड्स, तो ये इस तरह सच मैंने रहने दिया है. और जो इसके स्पून्स थे उसको मैंने एक सिंपल ग्लास में रख लिया है, उसको मैंने एक सिल्वर फॉइल से कर दिया था और ये सिंपल ग्लास में मैंने इसको रख दिया है. तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट शेल्फ की तरफ चलेंगे. इस शेल्फ पे मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कप्स और कुछ ग्लासेस और अपने मग्स को मैंने ऑर्गेनाइज किया है, आप देख रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है मेरा, ये देखिए ये किस तरह से, ये है मेरा केक का स्टैंड, उसको मैंने यूज किया है यहाँ पर. तो मैं घर में मेरे केक स्टैंड, मैं केक बनाती हूँ तो उसमें मैंने इस तरह से कप को ऑर्गेनाइज कर दिया. मैं फ्लावर्स रख दिए हैं, और ये देखिए ये कैटल्स है मेरे, मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, सबके सामने मैंने ऑर्गेनाइज किया है. और ये भी मैंने वीडियो के साथ शेयर किया था, ये मैंने बहुत ही सुंदर मग मंगाए थे फ्लिपकार्ट के वीडियो से. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैंने इस तरह का ये स्टैंड यूज करी, आप लोग देखे होंगे ये मार्केट में प्लास्टिक के स्टैंड. तो फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट अपने शेल्फ की तरफ लेके चलती हूँ. और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अनदर मेरे पास इस तरह का ऑर्गेनाइजर पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज किया. ये क्योंकि मेरा इतना चौड़ा है ना, तो ये शेल्फ खाली रह जाता है, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइडेशन थोड़ा कर दिया है. ओके, तो आगे मैं और भी क्रॉकरी लाऊंगी तो मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर रख दूंगी ताकि और ज्यादा डिवाइडेशन हो जाए. तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरे सारे डेजर्ट के बाउस है, मैंने इस तरह से नीचे अरेंज कर दिया बहुत अच्छे से. आगे यहाँ पे मैंने जो ये जितने भी बाउस है इनके जो बड़े बड़े बोल्स जो आते हैं उसको मैंने यहाँ ऊपर रख दिया इसके. और ये मेरे पूरे ग्लास वेयर्स हैं, देखिए ग्लास है उसका जग है, ये ग्लास है उसका जग है. यहाँ पे ये मैंने बाउस को ऐसे रखा हुआ है, ये सब बोल्स को मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है. यहाँ पे पीछे ये देखिए, ये जो इसके साथ का बड़ा बोल्स था क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज, इसके साथ तीन बोल्स थे, तीन बड़े बोल्स हैं ठीक है, तो वो रख दिया मैंने. और ये देखिए ये भी फाइबर के बड़े प्लेट है, तो ये नीचे ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसको फाइबर के प्लेट्स को ऊपर लगा दिया है.
और यहाँ पे मेरे बेबी का ये प्लेट मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं घर के मौजूद सामानों से मैंने इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज अपने और अलमीरा को किया, क्रॉकरी को। तो आपको ये कैसा लगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन? और नीचे का फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको नेक्स्ट मैं आपको नीचे की तरफ ले चलती हूँ, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये मेरे तीन ड्रॉज हैं। तो सबसे पहला ड्रॉज मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने राइस लाइट लगाई है जिससे मैं निकल गई है, इसको अलग कर देती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने जो, क्योंकि मैं बेकिंग करती हूँ तो मैंने बेकिंग के सामान को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है। जो इनके बॉक्सेस निकले थे उसका एक डिवाइडेशन था, जहाँ पे डेजर्ट के सारे बॉक्स मेरे रखे थे। तो इस कार्डबोर्ड को मैंने यूज कर लिया है, DIY किया है मैंने, इसका कार्डबोर्ड को यूज कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना बीटर रख दिया है और ये मेरे सारे नोजल्स रखे हुए हैं, ये स्पून्स हो गए और ये कपकेक के सारे मोल्ड्स हो गए यहाँ पे, और ये सब पूरा रखा हुआ है मैंने इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज, इसमें पहले वाले में मैंने कर दिया है। नेक्स्ट आपको दूसरे वाले में दिखाती हूँ, इसमें भी मैंने ये देखिए, ये सारा जो आइसक्रीम निकालने का ये है पूरे, ये देखिए सारे के सारे मेरे बटर पेपर्स हो गए। ये मैं आइसक्रीम बनाती हूँ तो उसके मैंने यहाँ पे ये मोल्ड्स और मेजरिंग कप सब मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया। ये भी मेरे को मैंने उसमें से DIY करके इसमें लगा दिया था ताकि सेपरेट सेपरेट सब चीज़ रहे। नीचे देखिए, मैंने सारे मोल्डिंग कप के जितने भी आपके ये हैं पूरा उसको मैंने रख दिया, अलग करके रख दिया। ये देखिए कप केक के मोल्ड्स हैं जिस पर केक रखते हैं, ये सिल्वर फॉइल्स, ये सब मैंने यहाँ पे इस तरह से इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया है क्योंकि अलग मेरे रखे थे और बहुत खराब। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने अपने क्रॉकरी अलमीरा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में, आपके पास भी कोई भी क्रॉकरीज आपकी पड़ी हुई है तो आप उसको अपने शेल्फ में, या इस तरह से अलमीरा अगर आपके पास है तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और DIY कर सकते हैं, अपने सामानों को अच्छे से रख सकते हैं। और इस तरह से सामानों को रखने से सामान टूटते भी नहीं है और गंदे भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताया करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो ये वीडियो देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।